राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आपका और अपना चैनल साहित्य क्लासेस, जिसमें आरबीएसई की यानी आरबीएसई यानी राजस्थान शिक्षा बोर्ड है, वो राजस्थान शिक्षा बोर्ड की ई कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। ई कक्षाओं के संचालन के अंतर्गत आपके 11th 12th के लिए हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश और हिंदी साहित्य और पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करवाया जाता है। इसके साथ ही कक्षा 10th और 9th के लिए हिंदी और इंग्लिश इनका अध्यापन करवाया जाता है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए अब हम ई कक्षाओं में हिंदी साहित्य की कक्षाएं शुरू कर रहे हैं, कक्षा 11th की, क्योंकि 11th की कक्षाएं हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 11th के पार्ट पढ़ेंगे तभी आपके 12th कक्षाओं के पार्ट समझ में आएंगे, क्योंकि अगले साल जो है वो आपका सिलेबस भी चेंज होने वाला है, परिवर्तित होने वाला है, जिससे आपके 11th कक्षा में हिंदी साहित्य की जो प्रथम पुस्तक है वह है अंतरा भाग 1, और आगे जब आप सीनियर में जाओगे तो वो होगी अंतरा भाग 2। थोड़ा सा समय लूंगा, जिसके संबंध में हम आज पहली कक्षा 11th की शुरू कर रहे हैं, तो इसमें हमें थोड़ी बातचीत कर लेनी चाहिए कि 11th कक्षा में आप जितना पढ़ना चाहते हैं उतना पढ़ सकते हैं। 11th कक्षा में आपके लिए यानी स्थानीय परीक्षाएं होती है, और स्थानीय परीक्षाएं होने पर आप जितना चाहे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो इस वर्ष आपकी कक्षाएं आयोजित नहीं की जा रही है, तो इसके लिए आपकी ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। आज हम पाठ पढ़ेंगे ईदगाह, और मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पाठ है, बहुत ही अच्छा पाठ है। इसके दो भाग किए गए हैं, दो भागों में ये पाठ है, और दो भागों में जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आने वाला है। आपकी परीक्षा में कैसे सवाल पूछे जाएंगे, परीक्षा निश्चित रूप से होगी, और उस परीक्षा में एक लेखक परिचय पूछा जाता है। पाठ का केंद्रीय भाव आपको याद होना चाहिए कि पाठ में क्या है, पाठ के बीच में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो भी होने चाहिए, और बोर्ड परीक्षा के लिए यानी आपकी जो स्थानीय परीक्षा है उस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं वो भी है। तो आपके लिए अब हम ई कक्षाओं के माध्यम से ही आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, यानी इसमें अंत में हम लगभग 5 क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे जो आपको करने हैं, और आपको अपने विषय अध्यापक के पास लिख करके भेजने भी हैं। आप सभी की सुविधा के लिए 11th और 12th के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है। पूरे राजस्थान से 12th क्लास के ग्रुप अलग हैं, 11th क्लास के ग्रुप अलग हैं। तो 11th कक्षा का विद्यार्थी यदि जो ग्रुप में जुड़ना चाहे तो वो 9610208295 पर अपना नाम, स्वयं का नाम, विषय और विद्यालय का नाम लिख करके और सेंड करें, ताकि आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाए, और समय समय पर जो ई क्लासेस आती है वो ई कक्षाएं आपके साथ आपके पास आती रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पाठ आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ध्यान पूर्वक, मनोयोग पूर्वक आप पाठ को सुने, और पाठ को सुनने के पश्चात बीच बीच में आपसे जो प्रश्न किए जाते हैं उन प्रश्नों का भी ध्यान रखें। बीच में जो प्रश्न के चिन्ह लगवाए जाते हैं वो भी आप ध्यान में रखें, ताकि हो सकता है कि आपके जीवन में ये पाठ कभी इसमें से कोई प्रश्न भी पूछे जाए। लेखक परिचय जो है वो आज ही नहीं, आगे जब आप स्नातक की कक्षाएं पढ़ेंगे अर्थात जब आप कॉलेज में पढ़ेंगे तब तक के लिए भी ये इसका मुंशी प्रेमचंद का परिचय आपको याद रखना है, आपको याद होना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं आज के पाठ पर, और आज का पाठ कैसा है देखते हैं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936 तक, और इसका सबसे पहला है लेखक परिचय। सबसे पहले लेखक परिचय पढ़ेंगे। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था, उनका नाम दनपत राय था। वैसे आज मुंशी प्रेमचंद जिनको कहते हैं उनका पुराना नाम क्या था, दनपत राय। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई, और मैट्रिक के बाद वो अध्यापन करने लगे, यानी दसवीं पास करने के बाद वो एक टीचर की नौकरी करने में लग गए थे। स्वाध्याय के रूप में ही उन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की, स्वाध्याय अर्थात प्राइवेट शिक्षा, प्राइवेट ही उन्होंने घर पर रहकर ही सारा अध्ययन किया था।
असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और पूरी तरह लेखन कार्य के प्रति समर्पित होकर के और प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से की थी। सबसे पहले वो जब वो लिखते थे तो नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनका एक जो पुस्तक थी सौजे वतन, जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी, बहुत ही राष्ट्र को समर्पित थी वो। बाद में हिंदी में लिखने लगे। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। इनका जो साहित्य है, इनकी जो पुस्तकें हैं, चाहे आप इनका उपन्यास ले लो, कहानी ले लो, नाटक ले लो, कोई भी ले लो, तो उसमें किसान या कोई दलित या कोई नारी वेदना या कोई वर्ण व्यवस्था या कोई अन्य सामाजिक कुरीति है, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। तो ये हम कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जो थे वो एक यथार्थवादी लेखक थे, यथार्थ की बात करते थे। जैसी सामाजिक व्यवस्थाएं थी, उन सामाजिक व्यवस्थाओं को लोगों तक बताने का प्रयास करते थे कि हमारे समाज की ये कुरीतियां हैं, इन कुरीतियों को दूर किया जाना चाहिए। वे साहित्य को स्वांत सुखाय ने मान करके साम परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। एक तो होता है साहित्य स्वांत सुखाय, स्वांत सुखाय तक कि जिससे खुद को सुख पहुंचे, खुद की आत्मा को अच्छा लगे। लेकिन वो तो परांत सुखाय था, अर्थात लोगों को ये बताने का प्रयास करते थे। वे एक ऐसी पैनी दृष्टि से देखते थे या ऐसी पैनी दृष्टि की शक्ति रखते थे। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रोत अनेक उपन्यासों और कहानियों की रचना की। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ है। जैसे मान लो आप कहानी लेंगे, नाटक लेंगे, उपन्यास लेंगे, तो इनमें ये तीन तत्वों का होना जरूरी होता है। जैसे कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, अर्थात उनका डायलॉग कैसा है। उनकी भाषा बहुत सजीव और मुहावरेदार बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ उर्दू की रवानी इसकी विशेषता है, अर्थात ये उर्दू का प्रयोग भी करते थे, जिसने हिंदी कथा को नया आयाम दिया। अर्थात मुंशी प्रेमचंद वो थे और इनकी जो विशेषता थी उर्दू, उर्दू के साथ साथ उन्होंने उर्दू के शब्दों का प्रयोग करते हुए हिंदी लिखने का जो प्रयोग किया था, वो एक हिंदी को एक नया नाम देने का काम इन्होंने किया। उनकी प्रमुख कृतियां देखिए, मानसरोवर जिसके 8 भाग है, जिसमें उनकी कहानियां लिखी हुई है। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने 301 कहानियां लिखी थी, उनमें से 298 कहानियां है वो प्राप्त हो गई है, 3 कहानियां प्राप्त नहीं हुई है। 298 कहानियां तो उनकी प्राप्त हो गई है, वो सारी की सारी मानसरोवर नामक जो संकलन है उसमें है। गुप्त धन के 2 भाग हैं, कहानी संग्रह है ये। जैसे निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, ये इनके उपन्यास है। कौन कौन से हैं? निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, ये इनके उपन्यास है। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, ये इनके नाटक है। और विविध प्रसंग है 3 खंडों में, साहित्य को राजनीतिक निबंधों का संग्रह है, विविध प्रसंग जिसमें 3 खंड है और उसमें निबंध है। तो इनके निबंधों का जो संग्रह उसका नाम है विविध प्रसंग। और इनके जैसे करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, ये 3 नाटक है। 8 भागों में उनके मानसरोवर के नाम से उनकी कहानियां हैं। और उन्होंने जो उपन्यास लिखे गुप्त धन, जिसके 2 भाग है, वो कहानी संग्रह है। इसके अलावा निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, ये इनके उपन्यास है। कुछ विचार, ये साहित्यिक निबंध है। उन्होंने माधुरी, हंस और मर्यादा, माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण, ये पत्रिकाएं उन्होंने संपादन किया था। अर्थात जैसे अखबार चलते थे, ये माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण, इन 4 अखबारों का इन्होंने संपादन भी किया। 4 अखबारों को भी वो लिखते थे। आदि पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ईदगाह कहानी दी गई है। अब देखिए यहां पर इसका केंद्रीय भाव दिया गया है। ईदगाह कहानी हिंदी में बाल मनोविज्ञान से संबंधित बहुत कम कहानियां लिखी गई है। और प्रेमचंद उन दुर्लभ कथाकारों में से है जिन्होंने पूरी प्रामाणिकता और तन्मयता के साथ बाल जीवन को अपनी कहानियों में जगह दी है। अर्थात बाल जीवन से संबंधित बहुत कम लोग लेखक लिखते हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में बाल जीवन को भी बहुत अधिक जगह दी है। उनकी कहानियां भारत की साझी संस्कृति और ग्रामीण जीवन के विविध रंगों से सराबोर है, भरी हुई है।
ईदगाह प्रेमचंद की इन्हीं कहानियों को अभिव्यक्ति करने वाली एक कहानी या प्रतिनिधि कहानी है। अर्थात उनकी जैसे हमारी जो भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति में जो ग्रामीण जीवन है, ग्रामीण जीवन के जो विविध रंग है, उन रंगों को बिखेरती हुई और उन रंगों को अभिव्यक्त करती हुई प्रेमचंद की ये कहानी ईदगाह एक कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार मानकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया है। हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता। अभाव का अर्थ था कमी। जैसे मान लो एक गरीब का बच्चा है, गरीब का बच्चा जब घर में रहता है तो उसे बहुत सारी गरीबियों का एहसास हो जाता है। माता पिता जब गरीबियों से जूझते हैं तो वो भी स्वयं इसमें अनुभव कर लेता है कि मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए, और वो जल्दी से जल्दी नौकरी की तलाश में लग जाता है, कुछ न कुछ अपने माता पिता का सहयोग करने में लग जाता है। तो गरीबी में या अभाव में बच्चा है वो परिपक्व के मतलब समझदारी से, जैसे मान लो वो बाल समय में भी वो परिपक्व हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जब खेलने कूदने की उम्र होती है उस समय वो कमाने की सोचता है। तो ये सब इस कहानी में बताया गया है। मेले में हामिद अपनी हर चाल पर संयम रखने में विजयी होता है। जैसे बच्चा होता है, बच्चा जब मेले में जाता है या बच्चा बाजार में जाता है तो बच्चे की रुचियां अलग तरह की होती है, खिलौनों से संबंधित होती है, मिठाइयों से संबंधित होती है। लेकिन एक हामिद इस प्रकार का बच्चा बन जाता है जो अपनी यानी बाल मन की जो बातें हैं उन बातों पर वो संयम रख करके और अपनी घर की जो जरूरत की चीजें होती है उनकी तरफ देखता है। और साथ ही रुस्तम ए हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य और महत्व को उद्घाटित भी किया है, यानी वो एक चिमटा खरीद करके लाता है। और चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से यह कहानी अनूठी है। ये कहानी जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे तो हमारे सामने हामिद का जो चेहरा है और उनकी दादी अमीना का जो चेहरा है वो हमारे सामने साकार हो जाएगा, यानी हमें लगेगा कि वास्तव में हम उन्हें देख रहे हैं। देखिए अपन देखते हैं इसका मूल पाठ। देखिए लेखक लिखते हैं कि रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब सी हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब सी रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब सी लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा है, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाइयां दे रहा है। अर्थात उस समय का वातावरण जो था वो बहुत ही सुंदर था। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। यानी जब ईद होती है तो ईदगाह में जहां पर मुस्लिम भाई जो है वो एक जगह एकत्रित होकर के जहां नमाज पढ़ते हैं उसे ईदगाह कहते हैं। तो वहां ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई दौड़ा जा रहा है सुई के लिए। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बेलों को शानी पानी दे, ईदगाह में लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है और किसी ने एक रोजा रखा है वह भी दोपहर तक, और किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। अर्थात ईदगाह का जो मेला है वो देखने की इच्छा सभी बालकों की हो रही है। रोजे बूढ़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे और वो आज आ गई। बच्चे जब त्योहार के लिए बच्चे हमेशा याद करते हैं कि वो त्योहार आएगा तो उस त्योहार पर मैं ये करूंगा वो करूंगा, अर्थात उनके मंसूबे होते हैं। और जब त्योहार आता है तो उस त्योहार पर वो अपने मंसूबों का पूरा करने का प्रयास करते हैं। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। और सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, यानी ईद में सेवैयां बनाई जाती है और वो उन सेवैयां बनाई जाती है तो प्रत्येक बच्चा चाहे गरीब का बच्चा है चाहे अमीर का बच्चा है सभी का जीव बराबर होता है और बच्चे बच्चे का जीवन या बच्चे बच्चे का मन बराबर होता है। तो गरीब का बच्चा भी वही सोचता है, अमीर का बच्चा भी वही सोचता है। गरीब का बच्चा ये थोड़ी सोचता है कि मेरे घर में कोई चीज नहीं है तो वो चीज नहीं बनेगी, उनके मन में भी वही बात आती है। और इनकी बला से ये तो सेवैयां खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। अर्थात
जो चौधरी है गांव का, अर्थात वो देन लेन करता है, तो उनके घर जा रहे हैं कुछ लाने करने के लिए। इसके बारे में बच्चे बेखबर होते हैं, अर्थात बच्चे उनसे ना तो पूछते हैं ना उन्हें पूछना होता है। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। देखो ये प्रश्न भी आएगा आपके, चौधरी यदि आंखें बदल ले तो ईद मुहर्रम हो जाए, अर्थात मुहर्रम का अर्थ है कि यहाँ पर कि उस घर में कुछ भी नहीं बनेगा। चौधरी आंखें बदल ले मतलब चौधरी यदि कुछ देने को नट जाए, मना कर दे कि नहीं मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, तो उनकी ईद नहीं मनाई जाएगी। इस प्रकार की स्थितियां ग्रामीण क्षेत्र में होती है। उनकी अपने जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। बच्चे जो है कि उनके जो गुल्लक होते हैं, उन गुल्लक में वो जितने पैसे पूरी साल में जमा करते हैं, फिर वो समय आता है तो वो निकालते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15, अर्थात 15 पैसे हैं मोहसिन के पास। और इन्हीं ही अनगिनती पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयां, बिगुल, गेंद, जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, सबसे ज्यादा हामिद प्रसन्न है। और वह हामिद 4-5 साल का गरीब सूरत, जिसकी दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ने जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अर्थात हमीद जो था 4-5 साल का बच्चा था, और उस बच्चे की माँ भी मर गई थी और पिता भी मर गए थे। पिता हैजे से मर गए थे और माँ भी अपने पिता की उनके पिता की चिंता में वो एक दिन खत्म हो गई थी। किसी को पता नहीं चला क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था, दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही रहती थी। और जब ये न सहा गया तो वह संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। अब हामिद जो है, अब हामिद का पालन पोषण कौन कर रहा है? उनकी दादी कर रही है, जिसका नाम है अमीना। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। जब हामिद अपनी दादी से पूछता है कि दादी माँ मेरे अब्बा कब आएंगे, क्या कहाँ है, तो वो कहती है कि तेरे अब्बा कमाने के लिए गए हैं और बहुत सारे पैसे लेकर के वापस लौटेंगे। कितनी एक मर्म की बात है, कितनी अच्छी कहानी है ये। और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई है और पूछता है कि मम्मी कहाँ है, अम्मी कहाँ है, अर्थात उसकी माँ कहाँ है। तो अम्मी जान भी किसी दूसरे के घर कुछ चीजें लाने के लिए गई हुई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर भी बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। बच्चों की आशा जो है वो राई का पर्वत बना लेती है, अर्थात छोटी सी चीज को वो बहुत बड़ा बनाते हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, और वह फिर भी वह प्रसन्न है। बच्चा है, क्योंकि गरीब था तो उसके पहनने उठने के लिए भी कोई खास चीजें नहीं थी। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामत लेकर आएगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। वो क्या सोचता है कि मेरे अब्बा जब कमा करके पैसे लाएंगे, पैसों की थैलियां लाएंगे, तो मैं मेरा पूरा शौक पूरा करूंगा। लेकिन वो इस बात से बेखबर है कि उसके अब्बा जान और उसकी अम्मी है दोनों ही नहीं है। तब देखोगे महमूद, मोहसिन, नूरे, शम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अर्थात वो क्या है कि बार बार गिन रहे थे और हमीद के पास पैसे थे नहीं, तो हमीद क्या कहता है कि मेरी जो अम्मी और मेरे अब्बा है वो पैसे कमाने के लिए गए हुए हैं, जब वो पैसे लेकर आएंगे तब मेरे पास कितने पैसे होंगे जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना तक नहीं है। आज आबिद होता, आबिद उनके हमीद के पिता का नाम होता, तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती और इस अंधकार निराशा में डूबी जा रही है। अर्थात मेरे पास बच्चा है हामिद है, इस बच्चे को खिलाने पिलाने के लिए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह इससे कदर रो रही है कि आज मेरा बच्चा अर्थात मेरा बेटा आबिद होता तो वह अपने बेटे को भी अर्थात हामिद मेरे पोते को भी कुछ न कुछ दिलाता। हामिद की जो है वो एक ये ईद है वो एक अलग तरह की होती, लेकिन ऊपर वाले की मालिक की मर्जी के आगे कौन क्या कर सकता है, ऐसा सोच करके। और वो कहा था कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, उसके घर में उसका काम नहीं है। क्यों कहती है ऐसा? क्योंकि वो एक गरीब महिला है और उसके घर में इतने पैसे नहीं है जिससे वो ईद मना सके। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर ऐसा है
विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी, अर्थात वो तो हमेशा खुश रहता है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, यानी वो ईदगाह जाने के लिए। बिल्कुल नहीं डरना, अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है, अर्थात हामिद के लिए तो मैं ही इसका बाप हूं, मैं ही इसकी माँ हूं। उसे अकेले घर और उसे इस प्रकार मेले जाने देना उसका जी नहीं मान रहा था। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या होगा, मैं क्या करूंगी, अमीना उसे ये यूं नहीं जाने देगी, ये नन्ही सी जान तीन कोस चलेगी कैसे, और पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है, अर्थात इसके जूते भी नहीं है, और जब ये तीन कोस पैदल चलेगा तो इसके छाले पड़ जाएंगे, ये छोटा छोटा बच्चा कैसे जाएगा। वो इस प्रकार बहुत अधिक चिंतित हो रही है। वह थोड़ी थोड़ी दूर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सवैया कौन पकाएगा, पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री करके चटपट बना लेती, यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे, अर्थात एक चीज कहीं से लानी पड़ेगी, एक चीज कहीं से लानी पड़ेगी, पैसे कहीं से लाने पड़ेंगे, इस प्रकार मांग टांग करके और काम चलाना होगा। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फैमिन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे, अर्थात वो सिलाई का काम करती थी, फैमिन कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी और इसी के लिए, लेकिन कल ग्वालियर सिर पर सवार हो गई तो क्या करती, हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने के पैसे बचे हैं और 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में, और यही तो बिसात है, ईद का त्योहार है, अल्लाह ही पार लगाए, अर्थात उनके पास कितने पैसे, बहुत ही कम पैसे हैं घर में, और धोबन और नायन और मेहतरानी और चुड़ियारिन सभी तो आएंगी, अर्थात जब त्योहार होता है तो ये लोग भी आशा उम्मीद रखते हैं कि ये लोग हमें कुछ देंगे। सभी को सेवैयां चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों को लगता नहीं, किस किस को से मुंह चुराऊंगी, और मुंह चुराए क्यों, साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है, और बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। अब क्या हुआ, गांव से मेला चला, अर्थात वो सोचती है कि मुझे जैसे मेरे घर में कोई अतिथि मेहमान या ये मांगने या जो भिक्षा लेने वाले आएंगे तो मुझे त्योहार के दिन बहुत कुछ देना चाहिए, क्योंकि त्योहार के दिन जब मैं नहीं दूंगी तो अच्छी बात नहीं है। और बच्चों के साथ हामिद भी जाने लगा, गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जाने लगा। कभी सब के सब दौड़ के आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते, ये लोग क्यों इतने धीरे धीरे चल रहे हैं, हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक ही नहीं सकता, अर्थात वो सबसे ज्यादा तेज चल रहा था। शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चार दीवारियां बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है, और कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है, लड़के वहां से एक फ्लांग पर है खूब हंस रहे हैं, माली को कैसा उल्लू बनाया है, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी है, और यह अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है, इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं, सच उनकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं, इतने बड़े हो गए, मतलब ये बच्चे जो है जाते जाते बातें कर रहे हैं आपस में, अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, हामिद के मदरसे में बिल्कुल 3 कोड़ी के रोज मार खाते हैं। हामिद कहता है कि मदरसे में 2-3 लड़के हैं जो बड़े बड़े हैं लेकिन कुछ भी नहीं आता, काम से जी चुराते हैं, और इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है सुना है, या मुर्दों की खोपड़ियां तोड़ती है। अब बच्चे बातें कर रहे हैं आपस में, और बड़े बड़े तमाशे होते हैं पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले, और मैमें भी खेलती है, अर्थात मैडमें भी खेलती है। सच हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है बेटे, बेट, तो उससे तो उसे पकड़ ही नहीं सके और घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने
यानी अल्लाह कसमा मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती है और जरा सा बेट पकड़ लेगी तो क्या आप कांपने लगेगी। अर्थात अम्मी जो है वो आपकी आटा पीसती है, गेहूं पीसती है, चक्की चलाती है, तो ये एक जरा सा बेट पकड़ने से थोड़ी हाथ कांपने लगते है, वो बहुत काम करती है। सैकड़ों घड़े पानी भी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है, किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद कहता, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल मोहसिन हो और उछल कूद नहीं। उन दिन मेरी गाय खुल गई, अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें भी नहीं पा सका। अर्थात मेरी माँ भी बहुत काम करती है। सच आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू होती है, आज खूब सजी हुई है, इतनी मिठाइयां कौन खाता है। देखो ने एक एक दुकान पर कोई मनो हो गया था, कोई एक एक दुकान पर बहुत ज्यादा। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद कर ले जाते हैं, मतलब बच्चे जो है वो बातें करते हैं कि इतनी मिठाइयां कौन खरीदता है, रात को कोई जिन्नात आते होंगे और वो जिन्नात आकर के खरीद लेते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। देखिए कितनी बात अच्छी है, बच्चों की एक अंधविश्वास की बात है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए हामिद को यकीन नहीं आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी है, जिस खजाने में जाए चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें रोक नहीं सकते। जनाब आप है किस फेर में, अर्थात वो लड़का जो है उसे कहता है, या हामिद कहता है कि जिन्नात को ऐसे पैसे नहीं मिल सकते क्योंकि जिन्नात कहां से लाएगा। मोहसिन कहता है कि नहीं नहीं जिन्नात बहुत कम चीज नहीं होती है, जिन्नात कहीं से भी पैसे ले आ सकता है, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरी जवाहरात दे दिए, अब यही बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच गए। अर्थात वो जो जिन्नात होते हैं वो चलते भी बहुत है, हवा की तरह उड़ते हैं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे। मोहसिन कहता है कि एक एक आसमान के बराबर होता है, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से लग जाए, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। अर्थात जिन्नात में ऐसी शक्ति होती है कि वो जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा हो सकता है और जितना चाहे छोटा हो सकता है। हामिद लोग उन्हें खुश कैसे करते होंगे, हामिद कहते हैं कि लोग उन्हें खुश कैसे करते होंगे, कोई मुझे वो मंत्र बता दे तो मैं एक जिन को खुश कर लूं। मोहसिन कहता है, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। चौधरी साहब जिसके बारे में अभी बात हो रही थी, कोई चीज चोरी जाए चौधरी साहब उसका पता लगा लेते हैं और चोर का नाम भी बता देते हैं। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं नहीं मिला, तब झक मार कर चौधरी के पास गए और चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वो वही मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। बच्चे बातें कर रहे हैं कि जिन्नात जो होते हैं वो जिन्नात जो है अपन यूं कह सकते हैं, अपने भूत पलीत कह सकते हैं अपनी भाषा में। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास इतना धन है और क्यों इतना सम्मान है। आगे चले, पुलिस लाइन है और यही सब कॉन्स्टेबल कवायद करते हैं, अर्थात पुलिस वाले सिपाही, रिटर्न फाइ फो रात की बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं रात को, जिससे चोरियां नहीं हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कॉन्स्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो, अजी हजरत ये चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू है वो इनसे मिले रहते हैं। ये यहाँ पर इन सुरक्षा प्रहरियों पर थोड़ा व्यंग्य किया गया है कि यही लोग रात को चोरी करवाते हैं, रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते रहते हैं। अर्थात वो दूसरे मोहल्ले में चले जाते हैं और उनसे कहते हैं हम जब उधर जाते हैं तब तुम चोरी कर लेना। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, जैसे मेरे मायू एक थाने में एक कॉन्स्टेबल है, 20 रुपए महीना पाते हैं लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम मैंने एक बार पूछा था कि मायू आप इतने रुपए कहां से पाते हैं, हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार रहे हैं, हम तो इतना ही लाते हैं जिससे अपनी बदनामी नहीं हो और नौकरी नहीं चली जाए। ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है,
हराम का माल हराम में ही जाता है। अर्थात ये बच्चे वो आपस में बातें करते हैं, प्रत्येक विभाग की बातें करते हैं, लेखक जो है वो इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो रिश्वतखोर वाले विभाग हैं या अंधविश्वास है इसके बारे में व्यक्त करना चाहा है। थोड़े ही दिन मायू के घर में आग लग गई, कहीं 50 सारी लई पूंजी जल गई। अर्थात उसने कहा कि थोड़े दिनों में क्या हुआ कि उसके आराम के पैसे तो थे ही और वो जल गए, एक बर्तन तक नहीं बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे, फिर न जाने कहां से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए थे। हामिद 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। हाँ कहां 100, 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में नहीं आए। अब बस्ती घनी होने लगी और ईदगाह जाने वाले की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर सवार, और सभी इत्र में बसे हुए, अर्थात सभी में जो है वो सुगंधित सेंट डाला हुआ, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का एक छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, जिस चीज की और ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज आने पर भी नहीं चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाता जाते जाते बचा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उत्साही था। सहसा ईदगाह नजर आया, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है, रोजेदारों की पंक्तियां और एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है। अर्थात उससे ईदगाह में लोग जो है वो रोजे और नमाज पढ़ रहे थे, पक्की जगत के नीचे तक, और वहां भी जाजिम नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। यानी इस्लाम जो है इक्कीसवाँ का यहाँ पर नारा दिया गया है, इक्कीसवाँ की बात बताई गई है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया है और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए, कितना सुंदर संचालन। वजू क्या होता है? वजू यानी जब नमाज पढ़ने से पहले जो हाथ मुंह मुस्लिम भाइयों के द्वारा जो धोए जाते हैं, हाथ मुंह धोकर के अर्थात नमाज के लिए जो तैयार होते हैं उसे वजू कहते हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर एक दास एक साथ सिजदे में झुकते हैं, अर्थात उनकी प्रार्थना में झुकते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही प्रक्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अंततः हृदय को श्रद्धा और गर्व से आत्मानंद से भर देती थी। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। यानी ये पार्ट फर्स्ट था, अब हम पार्ट दूसरा और तीसरा जल्दी पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसमें जो प्रश्न है उन प्रश्नों को का जवाब आप अवश्य दें। देखिए पहला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिसमें ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। अर्थात ग्रामीण परिवेश उसमें कैसा कैसा है उसके बारे में आपको बताना है। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है, विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चित पर उसका विध्वंस कर देगी, इस कथन से लेखक का क्या आशय है? अर्थात जो बच्चा है वो उनके घर की जो स्थिति है उससे बेखबर है और उसके मन में आशा है, उम्मीद है, और वो उम्मीद के प्रकाश के बल पर ही वो इतना खुश रहता है कि मेरे अब्बा जान आएंगे, मेरी अम्मी आएगी और मेरे लिए बहुत सारे पैसे लाएंगे, मैं उनसे बहुत अच्छे खिलौने खरीदूंगा। इस प्रकार हामिद की जो आनंद भरी चितवन है उससे उस विपत्ति को भी तार देता है, अर्थात विपत्ति को भी दूर कर देता है। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें फेर ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। अर्थात चौधरी के घर से ही वो सब कुछ लाने के लिए जाते हैं, पैसे चीज वस्त, यदि चौधरी मना कर दे तो उनके घर में ईद नहीं मन सकती, और इस कथन का आशय यही है। उम्मीद करता हूं आप इस पार्ट में जितने भी जो प्रश्न आते आए हैं उन प्रश्नों का उत्तर आप अवश्य लिखेंगे और ये होमवर्क आप करें और इस होमवर्क को अपने अपने जो टीचर्स हैं उन टीचर्स के पास अवश्य भेजें, स्वयं ही लिखें, कहीं से भी किसी भी तरह की कोई नकल करने का प्रयास भी नहीं करें, स्वयं लिखोगे। अर्थात कोई भी उत्तर है वो स्वयं के शब्दों में ओवन वर्ड्स होना चाहिए, अर्थात अपने शब्दों में जब आप उत्तर लिखेंगे तो उस उत्तर के नंबर ज्यादा मिलते हैं। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।